ऐसे हाथ जोड़ कर रहे हैं, जो करना हो कर लो, हमसे ना कहो। हम लोग खुद कहते हैं ठेकेदारों से एक नंबर का काम कीजिए, और वो कहते हैं कि हम पैसे दे चुके हैं तो हम काम क्यों एक नंबर का करें। तो हमने पूछा किसको दिया, तो अध्यक्ष को बताया कि हम देते हैं। ये सरासर बेबुनियाद है। क्या हम लोगों की अक्ल नहीं है कि हम दूसरों के सहारे चलेंगे? त्यागपत्र वाली जो सामूहिक त्यागपत्र वाली बात जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि आप लोग दे सकते हैं, ये बेकार निरर्थक। ये हम लोग सब लोग दे देंगे, सब लोग दे देंगे, सब लोग बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, हम लोगों की मांगों को नहीं मानेगा, तो बिल्कुल सामूहिक इस्तीफा हम लोग दे देंगे। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफरान अहमद। लखीमपुर खीरी ज़िले की नगर पंचायत खीरी, नगर पंचायत खीरी के बोर्ड के 16 मेंबरान में से 14 मेंबरान धरने पर बैठे हुए हैं, और आज धरने का दूसरा दिन है। हम इस वक्त नगर पंचायत खीरी कार्यालय के बिल्कुल मेन गेट के सामने हैं, और इसी जगह पर आप देख रहे हैं कि जो नगर पंचायत बोर्ड के सदस्य हैं और जो महिला सदस्य हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस जगह पर बैठे हुए हैं। कल से इन्होंने अपना धरना शुरू किया है। इनके कई संगीन, कई गंभीर आरोप हैं अध्यक्ष पर और अधिशासी अधिकारी पर, जिनमें ख़ास तौर से भ्रष्टाचार की बात इन लोगों ने बताई, और कुछ ही इस तरह के काम जो नहीं कराने जाने चाहिए वो काम कराए जा रहे हैं अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष की तरफ से, जो काम कराए जाने चाहिए वो काम नहीं कराए जा रहे हैं। इन सब का ये आरोप है कि इनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है। और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि 16 महीने बोर्ड के गठन के हो गए हैं, और 16 महीनों में 4 मीटिंग हुई और कल 5वीं मीटिंग थी, यानी कल 11 सितंबर को 5वीं मीटिंग थी और 5वीं मीटिंग भी हो नहीं पाई, और इनके जो प्रस्ताव लिखाने थे वो प्रस्ताव भी नहीं लिख पाए। तो ये अपनी मांगों को लेकर इस वक्त भी, आज दूसरे दिन भी, यानी 12 सितंबर को भी धरने पर सभी लोग बैठे हुए हैं। आज मालूम करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अब तक के क्या हुआ है, कहीं इन लोगों ने अपनी आवाज़ और दूसरी जगह पहुंचाई है, किसी अधिकारी से मिले हैं या किसी जनप्रतिनिधि से मिले हैं, और आगे ये क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे जो वरिष्ठ हैं सुरेश सिंह साहब, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। दादा ये बताइए कि आज 24 घंटे आपको हो गए, आज दूसरे दिन भी आप लोग सब धरना देकर बैठ गए हैं, तो क्या अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है? समाधान क्या, यो साहब जो है नगर पंचायत छोड़ भाग गए, हमारी अध्यक्ष महोदया जो है वो भी नहीं नगर पंचायत की तरफ सुध ले रही हैं, और ना उनका कोई प्रतिनिधि आ रहा है यहाँ, और ना ही बड़ा बाबू है यहाँ जो बड़े बाबू के पद पे नियुक्त है, वो भी नहीं है यहाँ, और फोर्थ क्लास के तमाम कर्मचारी हैं। विज्ञापन हम लोगों ने ये तैयार रखा है देने के लिए, लेकिन यहाँ विज्ञापन कोई लेने के को तैयार नहीं है। अच्छा, हाँ तैयार नहीं है, और ना कोई सुनने को तैयार है। ये जो ज्ञापन है इसमें ख़ास क्या जो है आपकी डिमांड है? ये धरने के लिए है, ये सूचना है, सूचना हम दे रहे हैं धरने के लिए जो है, और अपनी मांगों को लेकर बैठे। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी जो है 9-10 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, उसमें हम लोगों ने जो है इनसे हिसाब मांगा था, तो इन्होंने कहा था कि हिसाब ऐसा है हमारे पास, और बजट भी पूछा था कि किस किस मद में कितना बजट है, तो इन्होंने ये बताया था कि हमसे कि हमारे पास बजट जो है 8-9 करोड़ रुपये का है। अच्छा। और इसका कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे हम, और मीटिंग में आप लोगों को समझाएंगे जो है। कल जब मीटिंग हुई 9 महीने बाद, क्योंकि इस बीच में हम लोग तमाम बार कहा मीटिंग करने को लेकिन कर नहीं, जब हम कल मीटिंग हुई उसमें हम लोगों ने पुराना हिसाब मांगा 8-9 करोड़ रुपए का, तो उसमें जो है अपनी अपनी बगलें झांकने लगे यो अध्यक्षा महोदय, और रजिस्टर बंद करके भागने लगे जब हमने हिसाब मांगा जो है कि बताइए किस किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ है, किस में व्यय हुआ है, और कौन कौन से कार्य आप किए हैं, तो सब रजिस्टर बंद कर दिए गए जो है, और कहा गया कि जो है आपको अगर पिछली कुछ पुष्टि की कार्रवाई करना है तो आप करिए, और ना करना हो तो आप लोग निकल लीजिए। एक चीज़ ये बताइए कि अध्यक्ष महोदया यानी जो मोहतरमा उज़्मा भी हैं, उनका और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके हस्बैंड और साबिक चेयरमैन साहब फहीम साहब, उन्होंने कल पत्रकार हम मुझसे ही बात करते हुए ये बताया था
की मीटिंग कल हो गई थी, मुकम्मल हो गई थी मीटिंग, लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि मीटिंग नहीं हुई, तो कुछ बताएंगे कि मीटिंग हुई या नहीं हुई? मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग का हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया। और जो मीटिंग के दो रजिस्टर होते हैं, कार्रवाई रजिस्टर होता है, उपस्थिति हाजिरी रजिस्टर होता है। हाजिरी रजिस्टर सामने आया, सबसे पहले उस पर जो है हमारे MLC साहब ने साइन किए पढ़ कर करके, उसके बाद में उजमा बी ने किए, फिर अधिशासी अधिकारी किए, उसके बाद में हम लोगों ने किए जो है उपस्थिति रजिस्टर पर। और कार्रवाई वो पन्नों पर लिख रहे थे, सादे पन्नों पर, तो MLC साहब ने डांटा भी कि ये नहीं रजिस्टर पर लिखिए, हमारे मेम्बरानों ने कहा भी रजिस्टर पर लिखिए, तो बड़े जिद्दोजहालत के बाद में यो एक या दो प्रस्ताव रजिस्टर पर लिखे, एक लिखा गया और बाकी जो है सादे, इन सादे पन्नों पर लिखा गया, उनके पास मौजूद हैं। और उसके बाद जब हम लोगों का हिसाब या अपने प्रस्ताव लिखाना चाहे तो उन्होंने कहा कि जो है पिछली पुष्टि पहले कर दीजिए, हम लोग का पिछली पुष्टि नहीं करेंगे। उसके बाद वो रजिस्टर बंद करके भागने लगे गेट खोल के, हम लोग का गेट बंद रखो, हम लोगों की बात सुनो, और बाहर का आदमी ना आने पाए अंदर, और हम लोगों के प्रस्ताव लिखो, लेकिन यो बार बार चिल्लाते रहने गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो, और गेट जैसे खुला वैसे वो पुलिस की कस्टडी में भाग पड़े। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि आपने अभी ये बताया कि मीटिंग जो उपस्थिति का जो रजिस्टर होता है यानी हाजिरी का रजिस्टर, दो चीज़ें होती हैं जब मीटिंग होती है बोर्ड की, तो एक हाजिरी का रजिस्टर होता है कि इतने सदस्य और अध्यक्ष उपस्थित हुए, इसके बाद में दूसरा जो रजिस्टर होता है वो कार्रवाई का कि अब ये मीटिंग की कार्रवाई हुई और इसमें सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पारित हुए, और उसके बाद में जब मीटिंग मुकम्मल हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो फिर लास्ट में सभी मेंबरान दस्तखत करते हैं और अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी भी दस्तखत करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कार्रवाई रजिस्टर पर कोई दस्तखत आप लोगों ने किए हैं? कोई दस्तखत नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना है कि मीटिंग हो गई, रजिस्टर आया ही नहीं वो सामने, रजिस्टर आया ही नहीं, किसी ने नहीं कोई दस्तक के, लेकिन जो हम लोग अपने बता रहे थे कि जो हमारे अपने प्रस्ताव हैं वो लिखवाने हैं, तो कहा कि कोई नहीं लिखे जाएंगे इस बार, अब कोई मसला नहीं होगा, ना हम कोई पुष्टि करेंगे, ना आपको कुछ बताएंगे, और उठे और चलते बने, कुछ भी हमको हमारी आवाज़ को मतलब उन्होंने बिल्कुल दबा दिया और उठ के चले गए। ये बात भी बताई गई कि जब हमने उनसे ये सवाल किया 9 महीने के बाद में मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह जो है, इसका जो कारण है वो मेंबर ही हैं, उन्होंने ही टालमटोल की थी। क्या कहना चाहेंगे इशरत साहब? मेंबर तो मैं इशरत अली सभासद मोहल्ला जोशी डला, मेंबरों ने हमेशा मीटिंग के लिए कहा है, तमाम बार यहाँ पर अधिकारी से कहा, तमाम बार अध्यक्ष से कहा कि मीटिंग कराई जाए, और उस दिन की ये बात है, मैं सच्चता ही बोलूँगा, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब ये जो है ये जब प्रस्ताव की कॉपी इन्होंने कंप्यूटरकृत जो कॉपी लाकर जो रखी, तो हम लोगों ने MLC साहब ने पढ़कर जो है जो प्रस्ताव उसमें सुनाए कि ये इसमें प्रस्ताव हैं, तो हम 58 प्रस्ताव इसमें लमसम लगभग हैं, तो हम लोगों का MLC साहब किसी मेंबर से भी पूछ लीजिए इसके अंदर क्या इसने किसी कोई भी प्रस्ताव इस सूची में लिखवाए हैं क्या, तो उन्होंने जो है सबसे पूछा, तो मेंबरों ने जवाब दिया कि इसमें हमने कोई अपना प्रस्ताव इनको नहीं दिया है, ये अपने अध्यक्ष की तरफ से जो है सूची जो है बनाकर जो है लाए हुए थे, मतलब लाए हुए थे, तो MLC साहब ने कहा कि ये प्रस्ताव इसमें सम्मिलित नहीं होंगे जब तक इनकी मेंबर जो है पुष्टि नहीं करेंगे। इसीलिए MLC साहब ने कहा कि मेंबरों से जो है वो उनके लेटर पैड के ऊपर प्रस्ताव जो है लीजिए, और उनको लेने के बाद यहाँ पे जब मीटिंग हो अगली, तो इसके अंदर लाकर रखिए और इनसे पुष्टि इनसे कराइए, और जो ये काम कहते हैं उन कामों को भी इसमें सम्मिलित कीजिए। तो मेंबरों ने मतलब जो है विरोध इसका कर दिया कि ये एक भी प्रस्ताव जो है मेंबर जो है पारित नहीं करते हैं इसके अंदर खाली। अब जब पुष्टि की बात आई तो मेंबरों ने ये कहा कि ये मैं इस जो पिछले कार्य की कोई भी पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक महीने का खाली जो है मतलब वो दे रहे थे मतलब हिसाब उसका। मेंबरों ने कहा आए वे में जो है पिछले 9 महीने से जब मीटिंग नहीं हुई, तो 9 महीने में नगर पंचायत में क्या खर्च हुआ है और क्या मतलब आया है, इसका पूरा हिसाब चाहिए। इतने में MLC साहब का कोई काम मतलब आ गया, मतलब फ़ोन कोई आ गया, वो बेचारे मतलब चले गए। अब वो चले गए बस तुरंत जो है रजिस्टर बंद, हम लोगों ने सोचा कि अब जो है मीटिंग चालू होगी तो अपने अपने जो है मतलब कामों को इसमें चिन्हित किया जाएगा, इस सिस्टम से जो है लिखाया जाएगा, लोगों के जो है काम सही तरीके से होंगे, जो लोगों की मूल सुविधाएँ खीरी के अंदर हैं, जो मतलब टूटे काम हैं या रोडें टूटी हैं, कट टूटे हैं, ऐसे सब कामों पे हम लोग चर्चा कर कायदे से जो है इसको जो है लिखवाएंगे। लेकिन इन लोग अधिशासी अधिकारी अध्यक्षा महोदया जो है फौरन जो है उठकर वहाँ से जो है बाहर चली गई,
उनको बुला लिया गया और अधिशासी अधिकारी ने, हमने अधिशासी अधिकारी से कहा कि ये रजिस्टर जो है आप मीटिंग बंद नहीं कर सकते क्योंकि यह मेंबरों की बात सुननी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने रजिस्टर बंद कर दिया। बाबू से भी कहा, उन्होंने सुना नहीं, रजिस्टर बंद कर दिया। वो लोग भी वहाँ से चले गए, कहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। वो लोग, इतना ही मामला ये था हम लोगों का साथ में। बस 24 घंटे हो गए हैं मकसूद साहब, कल से आप दूसरी बार आज फिर आपने धरना शुरू कर दिया है। पिछले इन 24 घंटों के दौरान अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष महोदया या अध्यक्ष महोदया के जो प्रतिनिधि हैं, फहीम साहब हैं, आप लोगों से मिलने के लिए आए या कोई आश्वासन वगैरह? नहीं आया, कोई नहीं आया हम लोगों से मिलने के लिए, कोई नहीं आया। कल भी हम लोग 1 बजे से लेकर 5 बजे तक धरना पर बैठे थे, तब तक कोई भी नहीं आया। और आज सुबह हम लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं, आज भी कोई नहीं आया। अच्छा, और रही बात यह है कि ज्ञापन लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ज्ञापन लेने वाला भी कोई नहीं है। ईओ का कैबिन खाली है, चेयरमैन का कैबिन खाली है, जो मेन लिपिक बाबू है, बड़े बाबू, उसका भी कैबिन खाली है, और बाकी नीचे वाले कर्मचारी जो हैं वो सिर्फ बैठे हुए हैं। अब ये आप समझ लीजिए कि जो हम लोगों का कोई ज्ञापन नहीं ले रहा है, आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? ये सम्मानित सदस्य हैं जिनको जनता चुनती है 5 साल के लिए, और कोई भी स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, उसके बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं वो खासी अहमियत रखते हैं। यही बोर्ड शहर का, नगर का विकास, उसका पूरा मंसूबा बनाते हैं, और उसके बाद में जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो उसमें ये अपने प्रस्ताव, अपनी जो तजावीज़ हैं वो रखते हैं, और वो पास होती हैं तो उसी पर काम होता है। जाहिर सी बात है कि सभी लोग, ये लोग चुनकर आए हैं, जनता ने इन्हें चुना है, बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं, और अभी तक ये लोग बैठे हुए, आज दूसरा दिन है धरने का, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सईद भाई? कल मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने ये कहा कि हमारे सभासदों को कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद है। क्या हम लोगों के अक्ल नहीं है कि हम दूसरों के सहारे चलेंगे? बोर्ड है, सम्मानित बोर्ड है, और कल से हम लोग धरने पे बैठे हैं, एक बार भी किसी को फ़ोन नहीं किया, इतनी हठधर्मी है। ईओ साहब चले गए, कस्बा छोड़ दिया, अब लखनऊ चले गए या कहीं भी गए हों, पता नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, ना यहाँ कोई देखने वाला है। महीने में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि 5 दिन बैठते होंगे ईओ साहब, वो घंटा 2 घंटे के लिए, यहाँ बैठते नहीं ऑफिस में, और बेबुनियाद की बातें की जा रही हैं। और बोर्ड को 9 महीने, 1 महीने का हिसाब दिया जा रहा है, 9 महीने का हिसाब गायब किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का घपला है। जो काम हुए हैं उनको आप दिखाइए, आईना कर दीजिए, सभासदों को संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा जी, हर चीज़ में गड़बड़ है, बहुत भ्रष्टाचार है। आरोप ये भी लगता है कि आप लोग जब अधिशासी अधिकारी बैठे होते हैं अपने चैम्बर में, अपनी केबिन में, तो आप लोग जाकर बैठ जाते हैं, उन्हें कोई काम नहीं करने देते हैं, ये तो बेबुनियाद की बातें हैं। हम लोगों का ही चैम्बर था ये। अच्छा। वीरेंद्र यादव ने हम लोगों के लिए ही बनवाया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि वक्ती हम अपना केबिन टेबल डाले ले रहे हैं, और अधिशासी अधिकारी महोदय का पीछे केबिन है, यहाँ नहीं है, ये सभासदों का कक्ष है। अच्छा, सभासद आएंगे कहाँ बैठेंगे ये वही बता दें, वो तो अध्यक्ष महोदया के केबिन खुलवा के जबरन बैठ जाते हैं, ताला खुलवा के, और हम लोग कहाँ बैठेंगे? कहीं जगह होगी तभी तो बैठेंगे, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठते हैं। और ये बेमतलब की बात कर रहे हैं कि हम लोग अधिशासी अधिकारी को काम नहीं करने देते हैं, यह झूठा बेबुनियाद आरोप है। कल आप लोग कहीं गए, किसी जनप्रतिनिधि से आपने मुलाकात की है, ज़हीरुल हसन साहब? जी, MLC साहब से हमने मुलाकात करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसका निस्तारण करते हैं, और उनको एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन उन्होंने कहा जो है वहाँ दे देना DM साहब के यहाँ, तो DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन आज पहुँच जाएगी। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन? जी, आज वो का आज पहुँच जाएगी। क्या क्या एप्लीकेशन में जो है आपकी मांग क्या है, जो आपने एप्लीकेशन जो हमारे प्रस्ताव नहीं लिखे गए उस विषय में मांगे हैं हमारी, हमारे काम होना चाहिए पूरी तरीके से। अच्छा। जो संतुष्ट हो जनता हमारे, हम जो हमको चुन के भेजा है जनता ने, उसके लिए हम कुछ कर सकें, और यहाँ कोई काम तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आओ यहाँ तो ईओ साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ईओ साहब महीने में 4-5 बार मुश्किल से बैठते हैं, अब ईओ साहब को कैसे क्या करा जाए, मतलब कैसे वो आएँ, और जब तक वो आएंगे नहीं काम कैसे होगा? अच्छा जी,
अधिशासी अधिकारी भी नहीं है, अध्यक्ष महोदया भी नहीं है, आज दूसरा दिन हो गया है, काम भी इससे प्रभावित होंगे, कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे जो हैं वो नहीं पूरी होंगी तब तक हम बैठे रहेंगे। और हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि आप 11 लाख 12 लाख की लाइट लगाएं। कस्बे खीरी में मोहल्ला तवेला का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए, एक भी लाइट नहीं लगी है। हमने कई बार चेयरमैन साहिबा चेयरमैन साहब से हमने कहा और उनके जो लोग हैं उनसे भी हमने कहा, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। और नाली जो हमारी है वार्ड की नालियाँ जो है आपस में चपटी हुई हैं, आप जाकर देख लीजिएगा कि मतलब पूरे वार्ड में ये समस्या है। और वो जब नाली उनको जो स्वीपर बेचारे हैं उनको डेली साफ करना पड़ता है, क्योंकि नालियों में झिल्ली फंस जाती है, जब आपस में चपटी है रुक जाती है और वही सब मामला जब फंसा रहता है, तो ये समस्या है। और हम अभी हमारे वार्ड में भी कुछ काम था, तो अभी 12 रविवार का मामला चल रहा है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह निकलेंगी, तो कुछ पत्थर टूटे थे, तो हमने कहा पत्थर पड़ने हैं और कुछ जाल वगैरह, तो हमसे ऐसे हाथ जोड़ के कर रहे हैं, जो करना हो कर लो हमसे ना कहो, हाथ जोड़ के हमसे कर रहे हैं। वो फहीम चचा हमारे या चेयरमैन साहब वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। हाजी साहब क्या कहेंगे, कैसे हल निकलेगा? अब चेयरमैन साहब को बात करनी चाहिए थी सभासदों से, क्या मसला है क्या मामला है तुम लोगों को, वो नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? अच्छा। बाकी तो धरने पर बैठे ही हैं, अपनी मांग को लेकर सब लोग अपने बैठे हैं। 43 जी, जब हम लोग जो है पिछले बोर्ड में मेंबर हम थे, इस बोर्ड में भी हैं, तो सेगमेंटेड पोल आए थे, आज 1.5 साल हो गया है, वो आप जाकर इंटरव्यू कर लीजिए उसका, वो आज तक पड़े हैं लोगों के घरों के पास में, हर वार्ड में आज तक 1.5 साल में वो पोल नहीं लग पाए हैं। हाँ, बराबर उसके लिए हम लोग कहते रहे कि जो पोल पड़े हुए हैं उनको मंगवा कर जो है उनको लगवा दीजिए, तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, वो पोल आज तक पड़े हुए हैं, आप कैमरा ले जाकर पूरी खीरी में देख सकते हैं इस बात के लिए। नगर पंचायत खीरी में 16 वार्ड हैं और हर वार्ड से एक सदस्य मुंतखब हुआ है, जाहिर सी बात है कि हर वार्ड का मेंबर वो अपने वार्ड की सफाई सुथराई और जो दीगर और विकास के काम हैं उसकी जिम्मेदारी भी होती है, और अपने वार्ड के जो बाशिंदे हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका भी समाधान करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। लेकिन बोर्ड की मीटिंग ना होना, और जैसा कि इन सदस्यों का आरोप है कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, मनमानी की जा रही है और बदसलूकी भी एक तरह से इनके साथ हो रही है, तो इस तरह अगर रवैया रहेगा किसी का भी हो तो जो नगर पंचायत है कस्बा खीरी है इसमें जो विकास के काम हैं, जो पूरा सफाई का सिस्टम है, सफाई का निज़ाम है, सफाई व्यवस्था है, वो भी चौपट हो जाएगी। 4 दिनों के बाद में बहुत बड़ा त्यौहार ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है, जिसमें पूरे कस्बा खीरी में जुलूस मोहम्मदी निकलता है, कस्बे की तमाम सड़कों और गलियों की और पूरे कस्बे की सफाई वगैरह भी होती है, तो जाहिर सी बात है। और अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि हर वार्ड सदस्य को 5 स्वीपर दिए गए हैं, सफाई कर्मचारी दिए गए हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सफाई कराएँ, तो जहाँ सदस्यों की जिम्मेदारी है वहाँ पर अध्यक्ष महोदया की भी जिम्मेदारी बनती है। इल्ज़ाम एक ये भी लगा कि कल जब मीटिंग हो रही थी तो आप लोगों ने बदसलूकी की अधिशासी अधिकारी से। नहीं, उनसे लिखवाने के लिए कह रहे थे, बदसलूकी कोई भी ना करी हम लोगों ने, बिल्कुल भी ना करा, ठीक है। उसके बाद एक हमारे यहाँ मरिझाल रोड जो है जर्जर पड़ी हुई है, उस पर गड्ढे रोज़ गिरते हैं, आए दिन उस पर आदमी गिर जाते हैं बेचारे, जब लेके जाते हैं। हमने इनसे कहा कि हमारी वाली रोड इन्होंने बनवा दी है जो गली, तो हमने कहा ये ना बनवा के आप वो बनवाइए। अब वो अच्छी खासी रोड, उसके फ़ोटो हमारे पास बढ़िया रोड के पड़े हैं, लेकिन इन लोगों ने जबरन उसको जो है बनवा दिया, मतलब जानबूझ के छवि ख़राब करने के चक्कर में, कि ये कहेंगे लोगों से कि मतलब इनकी छवि धूमल होगी, कि मतलब ये रोड अपनी तरफ की बनवा ली, हमारी तरफ की नहीं बनवाई। जबकि हमने उनसे अवगत कराया कि चेयरमैन साहब हमारी वो वाली रोड मरिझाल वाली बनवा दीजिए, और मरिझाल वाली रोड ना बनवाएं। उस पर इल्ज़ाम हमें मिला वही वाली बात कि उन्होंने कहा कि मतलब अगर इस पर हमको वोट नहीं मिला है तो हम इस पर रोड कैसे बनवा देंगे, और इतनी जल्दी हम कहाँ बनवा देंगे, ये रोड कहाँ बनवा देंगे। उस पर मरिझाल, उस पर आए गए मेहमान भी बाहर से आते हैं, उस पर देखते हैं रोड की पोजीशन बहुत ख़राब है। एक आरोप आप सभी सदस्यों पर कमोवेश लगता है कि आप लोग जो विकास के काम होते हैं, ठेकेदार काम कराता है, तो आप लोग उन
ठेकेदार पे नाजायज़ दबाव बना के और कमीशन वगैरह की बात आप लोग करते हैं, आप पे एक ये भी गंभीर आरोप है, क्या कहेंगे आप बताइए? कमीशन वो खुद ही लेते हैं, ठेकेदार बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते हैं मैं लाखों रुपया दे के आया हूँ पहले चेयरमैन साहब को, तब हमको वो काम देते हैं। अच्छा जी, आप लोगों पे आरोप है सब पे? वो किसी ठेकेदार को जो है लाकर खड़ा कर दें हम लोगों के सामने कि ये लोग हम पर दबाव बनाते हैं इस बात के लिए, गलत बेबुनियाद आरोप है, क्या कहेंगे? आरोप लगाने को क्या कोई भी लगा सकता है, हम लोग खुद कहते हैं ठेकेदारों से एक नंबर का काम कीजिए और वो कहते हैं कि हम पैसे दे चुके हैं तो हम काम क्यों एक नंबर का करें। तो हमने पूछा किसको दिया, तो अध्यक्ष को बताया कि हम देते हैं और हमने जो यो साहब वो पहले से सब ले लेते हैं, ये सब बात बताते हैं और कोई भी और कंप्लेंट करते हैं कोई भी काम की तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने कंप्लेंट करी थी ये महावीर फ्लू पंप के सामने काम चल रहा है, उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, मैंने कंप्लेंट भी करी, रिसीविंग भी मेरे पास रखी है, उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से पेमेंट कर दिया गया। अच्छा, तो एक ये बात भी है कि आज दूसरा दिन है और आप लोगों का कहना है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है और अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष महोदया वो लोग, इनका कहना है कि वो लोग आएँ और हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी सूचना देना चाहते हैं और अगर आएँ वो तो बैठकर बात कर लें और हो सकता है कि कुछ समाधान निकल आए, देखते हैं कि क्या होता है। एक चीज़ एक बात और पूरे कस्बे में पूरे शहर में एक बात आप लोगों के लिए उड़ रही है कि अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं, ये बात भी उड़ रही है, इसमें क्या सत्यता है और क्या जो है आप कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोगों के जब काम नहीं सुने जाएंगे और हम लोगों का कार्य ही नहीं होगी होगा जो है। अच्छा, जनता ने हमको तो बड़ी उम्मीदें लेके चुना है और भेजा है यहाँ नगर पंचायत में कि हमारे विकास के कार्य होंगे और जब यहाँ हमारे को सुनने वाला है नहीं, ना यो सुनता है ना चेयरमैन सुनता है, ये दोनों आदमी की मिली भगत से भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर हो गई है नगर पंचायत खीरी में जो है। और जब हम लोग कुछ पूछते हैं तो उल्टे सीधे हवा जनता में फैलाते हैं, हम लोग कमीशन मांगते हैं, कोई भी ठेकेदार एक भी आ जाए ठेकेदार बता दे कि हमसे सूरज सिंह ने कमीशन मांगा या अन्य मेंबरों ने कमीशन मांगा है। तो ये त्यागपत्र वाली जो सामूहिक त्यागपत्र वाली बात जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि आप लोग दे सकते हैं, ये बेकार निरर्थक, ये हम लोग सब लोग दे देंगे, सब लोग दे देंगे, सब लोग बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, हम लोगों की मांगों को नहीं मानेगा तो बिल्कुल सामूहिक इस्तीफा हम लोग दे देंगे। नाजरी, ये बड़ी ख़ास बात है कि जैसा कि सोशल मीडिया पर भी हम कल रात से देख रहे हैं कि सदस्यों के हवाले से ये बात चल रही है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी गई, इनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई, चाहे वो अध्यक्ष महोदया या अधिशासी अधिकारी या ज़िले के जो आला अफसरान हैं, ज़िले के जो बड़े अधिकारी हैं, वो अगर इनकी बात नहीं सुनते हैं तो इनका ये कहना है कि ये सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। अब देखना ये है कि इनकी समस्या का समाधान कब होता है, कैसे होता है, होता है या नहीं होता है, जो कुछ भी होगा हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे, हम आप तक बताते रहेंगे। आपसे नगर पंचायत का हाल भी देख लीजिए, कोई कर्मचारी नहीं, कोई कर्मचारी, अभी कम से कम 20 लोग वापस गए हैं, अपने काम लेके आए थे वो सब वापस चले गए, कोई है ही नहीं अंदर, यहाँ दो दिन से नहीं कोई, अंदर जाके आप देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। इनका ये इन लोगों का ये भी कहना है जो धरने पे सदस्य सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं, इनका ये भी कहना है कि नगर पंचायत कार्यालय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पर, तो इनका ये भी कहना है। और हाँ, जो ख़ास बात इन्होंने बताई कि अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, आला अफसरान भी अगर इनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं तो फिर मजबूरन ये अपना सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कुछ भी होगा खीरी.com आप तक पहुंचाता रहेगा। आपसे बहुत ही मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।